कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का एमसीक्यू का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं अभी। होपफुली ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट कर रहे हैं, विच इमेज फाइल्स आर लॉजी फॉर्मेट। तो ये चार जो है फॉर्मेट्स दे रखे हैं जो कि वीडियो या फिर इमेजेस के लिए हैं। इनमें से हमें लॉजी फॉर्मेट बताना। लॉजी फॉर्मेट मीन्स कि ऐसा फॉर्मेट जिसमें इमेज के डेटा को स्टोर किया जाए और जब उसे रिकवर किया जाए तो वो लॉस हो जाता है, तो उसको लॉजी बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, एक लॉसलेस होता है, एक लॉजी होता है। तो लॉजी की बात चल रही है तो जो लॉजी होता है ये होता है JPEG। इमेज की बात चल रही है तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG एक इमेज फॉर्मेट है जो कि लॉजी टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक टू ब्लेंड टू और मोर इमेजेस टू फॉर्म अ न्यू इमेज। तो दो या दो से अधिक इमेजेस को ब्लेंड करके एक नई इमेज को बनाना, इसी को हम बोलते हैं मॉर्फिंग। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्सपेंड JPEG, तो JPEG की फुल फॉर्म पूछी जा रही, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक। तो कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन टेक्निक मल्टीमीडिया है जिसमें कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, डिफरेंट और डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा हैं उनको इंक्लूड करके एक फाइल को बनाया जा सकता है, वो मल्टीमीडिया इसको बोलते हैं। 4th का ए ऑप्शन। 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ इमेज फाइल कंप्रेशंस आर देयर। तो अभी बताया मैंने, दो तरह के इमेज कंप्रेशंस होते हैं, फाइल कंप्रेशंस होते हैं। एक होता है लॉजी कंप्रेशन, एक होता है लॉसलेस कंप्रेशन। ये दो तरह के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 2 करेक्ट होगा। ठीक है, सी मीन्स दो तरह के कंप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 6, ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड, इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजिशन को चेंज करना। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइन हो, पॉइंट हो, कुछ भी हो, उसको एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में किसी उसकी पोजिशन को चेंज करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। जब हम उसके साइज़ को चेंज करते हैं तो स्केलिंग बोलते हैं, जब उसके एंगल को चेंज करते हैं तो रोटेशन बोलते हैं, और जब लेयर्स के ऊपर चेंज करते हैं तो उसको शेयरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट को की पोजीशन को चेंज करना था तो हम इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस विच डिवाइड्स ईच एलिमेंट ऑफ द पिक्चर इनटू इट्स विजिबल एंड इनविजिबल पोर्शंस अलाउइंग द इनविजिबल पोर्शन टू बी डिस्कार्डेड इज कॉल्ड, तो इसको क्लिपिंग बोलते हैं। क्लिपिंग होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट व्यूइंग एरिया में, ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन व्यूइंग एरिया में होता है उसको हम रख लेते हैं, और जो एरिया ऑब्जेक्ट का व्यूइंग पोर्शन से बाहर होता है उसको हम कट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लिपिंग। तो एक क्लिपिंग की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, द रीजन कोड 0000 रिप्रेजेंट्स। तो ये जो है एल्गोरिथम है जिसमें क्लिपिंग से रिलेटेड एल्गोरिथम में इन टर्म्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जहाँ पर एक रीजन को 9 रीजन में डिवाइड किया था, अगर आपने पढ़ा होगा आपको याद आ गया होगा, तो उसमें 9 रीजन्स होते हैं और 9 रीजन्स को 4 डिजिट का कोड दिया जाता है। तो उनमें से एक कोड है 0000। तो ये कह रहा है कि द रीजन कोड जिसका जो है रीजन कोड ऐसा रीजन जिसका कोड 0000 है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 0000 रिप्रेजेंट करता है व्यूइंग विंडो, जहाँ पर डेटा कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसको व्यूइंग विंडो बोलते हैं, जहाँ पर 0000 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मल्टीमीडिया सिस्टम। तो मल्टीमीडिया सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मल्टीमीडिया सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हाई स्टोरेज लेता है और हाई डेटा रेट्स होता है। तो बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डेटा रेट्स मीन्स किस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, स्मॉलर वर्जन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तो किसी इमेज का एक स्मॉलर वर्जन क्या होता है, थंबनेल होता है, आपने देखा होगा थंबनेल, वो किसी भी इमेज का एक छोटा साइज होता है, कम साइज का, उसको थंबनेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मैनी बिट मैप्ड इमेजेस इन ए सीक्वेंस इज नोन एज। तो बहुत सारी बिट मैप्ड इमेजेस जिनको सीक्वेंस में रखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं GIF एनिमेशन। आपने देखा होगा बहुत सी इमेजेस जो मूविंग टाइप की दिखाई देती हैं वो GIF एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, वो बिट मैप्ड इमेजेस का एक सीक्वेंस होता है, इसको बोलते हैं GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट एनिमेशन, GIF एनिमेशन। बार देखते हैं, विच फाइल फॉर्मेट इज़ फॉर द फोटोशॉप। तो फोटोशॉप एक टूल होता है जिसमें इमेजेस को हम अलग अलग तरीके से एडिट या फिर अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब फोटोशॉप की जो फाइल है किस फॉर्मेट में सेव होती है, तो ये .psd में सेव होती है, .psd।
डॉट पी एच डी में फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसमें सेव होती है डॉट पी एच डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड इज यूज टू सेंड एन ई मेल टू ए थर्ड पार्टी। एक थर्ड पार्टी को जो है ई मेल भेजना है। विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड इज यूज टू सेंड एन ई मेल टू ए थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी को ई मेल भेजना है कि जिसको थर्ड पार्टी बनाना है, तो ये है बी सी सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी सी सी में हम उसको रखेंगे, एक तो टू होता है, एक सी सी होता है, एक बी सी सी होता है, ठीक है ना। तो टू होता है जिसको हम डायरेक्टली किसी को भेज रहे हैं, सी सी होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, वो टू को भी दिखाई देगा, सी सी को भी दिखाई देगा, और बी सी सी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है वो किसी को दिखाई नहीं देगा कि हमने ये किसको भेजा है, ठीक है। तो 13th का जो है ये ब्लाइंड थर्ड पार्टी को अगर हम ईमेल भेजना है तो कौन सा फील्ड यूज़ करेंगे, बी सी सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी सी सी जो एरिया होता है उसमें हम उसको ईमेल आईडी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द फाइल फॉर्मेट इज़ अ मेथड ऑफ एनकोडिंग पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पर एक पिक्चर्स को एनकोड करने का एक फाइल फॉर्मेट क्या है, जेपीईजी। पिक्चर्स की बात कर ली ना, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट बोर्ड, जेपीईजी जो है एक फाइल फॉर्मेट होता है। एचटीएमएल आपने पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक वेब पेज बनाने के लिए काम में आता है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक वेबसाइट का यूआरएल होता है, वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है, जैसे www.google.com, ये एक यूआरएल हो गया, इस तरह के यूआरएल्स होते हैं। और एक होता है डॉक्यूमेंट, डीओसी, या फिर ये डॉक्यूमेंट फाइल्स के लिए होता है। जेपीईजी इमेज के लिए होता है। 15, इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डेटा यूजिंग रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा को एक्सचेंज करना, इधर से उधर करना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, वाईफाई। वाईफाई यूज़ करती है रेडियो वेव्स को। व्हाट इज़ द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड। तो ईमेल मैसेज कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो आपको पता होगा मेल बॉक्स में स्टोर होते हैं। 17, इंफॉर्मेशन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मल्टीमीडिया ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन के कलेक्शन से क्या बनता है, मल्टीमीडिया बनता है। 18, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज, तो इनको स्पैम बोलते हैं, जो कि जो है इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अनसॉलिसिटेड होती हैं, कमर्शियल ईमेल्स होती हैं, आती रहती हैं, उनको स्पैम बोलते हैं। 19, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। ईमेल का यूआरएल जो है करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है, तो ये है www@mail.com, ये प्रॉपर फॉर्मेट है, एट द रेट आना जरूरी होता है। 20 ठीक है, और ये वाला भी, दोनों सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। www@mail.com, www@mail.com, दोनों सेम है। ऊपर वाले में एट द रेट नहीं है, नीचे वाले में एट द रेट नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो www@mail.com और सी दोनों करेक्ट हैं। 20, देखते हैं वाइल एंड सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। वाइल सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द, जो ईमेल भेज रहे हैं और जो आप ईमेल में डेटा लिख रहे हैं, तो एक ऐसी लाइन जो उसको डिस्क्राइब करती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है, ये डॉट्स पर इंच, ये एक यूनिट होती है स्क्रीन के रेजोल्यूशन को मीज़र करने के लिए, डॉट्स पर इंच, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डॉट्स पर इंच। आगे देखते 22, इज़ ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल्स टू अ कंप्यूटर। तो ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा ईमेल्स को आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो ध्यान रखना ये होता है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP प्रोटोकॉल इज़ यूज बाय द ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड द ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में ईमेल्स को ईमेल क्लाइंट के द्वारा डाउनलोड करने के लिए POP का यूज़ किया जाता है। 23, व्हाट मेनू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी पेस्ट। तो ये एडिट होता है, ये किसी टूल में अगर आप देखेंगे तो कट कॉपी पेस्ट कहाँ मिलता है, ये एडिट वाले मेनू में मिलता है, फाइल के साइड में होता है एडिट, वहाँ पर मिलेगा आपको। मल्टीमीडिया क्या है, ए मल्टीमीडिया फाइल इज, तो मल्टीमीडिया फाइल मस्ट बी एक्सेस्ड एट स्पेसिफिक रेट, ये वाला स्टेटमेंट मल्टीमीडिया फाइल के लिए करेक्ट होगा। सो होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।